स्वागत है आपका इस फरसेसी में। आज के इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख रहे हैं हरित क्रांति पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। ठीक है, पहला है 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी 70 के दशक में। ठीक है, 1970 के दशक में। देखिए हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्र के अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1970 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी तथा तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। इसलिए इसका सही विकल्प होगा बी। ठीक है, हरित क्रांति 1970 के दशक में भारत में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। दूसरा सवाल आज का है, निम्नलिखित में से किसने भारत की कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार कृषि शब्द का प्रयोग किया है, सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया है? एम एस स्वामीनाथन ने। देखिए एम एस स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। बोरलॉग उन 5 लोगों में से एक है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। इसलिए इसका विकल्प सही उत्तर है। भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन पौधे की जेनेटिक वैज्ञानिक है जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? हरी खाद का उत्पादन, फसलों का उच्च उत्पादन, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, हरित वनस्पति। तो इसका आंसर होगा सी उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। हरित क्रांति को नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में खरीफ के मौसम में अमल में लाया गया था और इसे उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम HYVP का नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम को एक पैकेज के रूप में पेश किया गया था क्योंकि मुख्य तौर पर यह कार्यक्रम नियमित तथा पर्याप्त सिंचाई, खाद, उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज, कीटनाशकों पर निर्भर था। इसलिए इसका आंसर विकल्प सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सातवां सवाल है, भारत में हरित क्रांति खालिस्तान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आपको भरना है क्या होगा, गेहूं, बाजरा, दाल, तिलहन। तो इसका आंसर होगा गेहूं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति द्वारा गेहूं के बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रारंभ में गेहूं की फसल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था और गेहूं पे ही सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है,
आजादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल सॉरी फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो जैसा कि पहले बोला गया है, गेहूं इसका आंसर होगा। हरित क्रांति को नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में खरीफ के मौसम में अमल किया गया था, ठीक है, और इसके कारण गेहूं के बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों के इस्तेमाल करने पर इसके पैदावार में वृद्धि हो गई थी। नौवां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, हरित क्रांति की विधि में HYB बीजों का उपयोग। उपरोक्त में से कौन सा कथन हरित क्रांति की विधि में तीन मूलभूत तत्वों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि देखिए खेती के क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल और हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग तीन बुनियादी तत्व है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ओके, दसवां सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को चुना गया था? तो आपको पता होगा बहुत से लोगों को कि पंजाब होगा इसका आंसर, ठीक है। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में पंजाब राज्य को चुना गया था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।